ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप में से कई लोगों के मन में ऐसा सवाल जरूर होगा कि क्या नाम भी सिद्ध होते हैं? क्या नाम जप करने के बाद भी हमें सिद्धि मिलती है? क्या नाम सिद्ध होने के बाद में वैसे ही कार्य करता है जैसे एक मंत्र सिद्ध होने के बाद कार्य करता है? कई सारे सवाल आपके मन में जरूर होंगे। आज ऐसे ही सवालों और ऐसी ही जिज्ञासाओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि नाम जप की क्या महिमा है और नाम जप कैसे करें। नाम जप किया जाता है तो नाम जप कैसे सिद्ध हो जाता है? देखिए, जब हम लोग मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप में आपने देखा होगा कई तरह से लोग जप किया करते हैं। एक तो जप नियम के साथ में करते हैं लोग, और एक जप होता है कि हम लगातार जप करते ही रहते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, मन में जप चलता ही रहता है, मन में चलता रहता हो या फुसफुसाते हुए जप करते हो। वैसे जप तीन प्रकार का होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उपांशु जप एक ऐसा जप होता है जिसमें हम फुसफुसाते हुए जप करते हैं। वाचिक जप ऐसा जप होता है जिसमें हम बोल बोल के जप करते हैं। और मानसिक जप ऐसा जप होता है जब जब हमारे मन में चलता रहता है। तो वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप, तीन प्रकार के जप होते हैं। चौथी अवस्था भी आती है जप की, जब आपका जप बहुत अधिक हो जाता है, जप की संख्या करोड़ों में पहुंचने लगती है, तो अजप्पा जप शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जप नहीं करेंगे तो भी आपके मन में जप चलता रहेगा। जैसे आपकी सांसें चलती रहती हैं वैसे ही आपका जप चलता रहता है। एक सवाल और था किसी का कि ऊर्जा क्या होती है, जप से ऊर्जा कैसे बढ़ती है? देखिए, जैसे कोई पेड़ होता है ना, पिछले वीडियो में शायद बात की भी थी कि पेड़ को आप उखाड़ लीजिए तो पेड़ को उखाड़ने के कुछ देर बाद देखिएगा उसकी पत्तियाँ सब कुछ मुरझा जाती हैं, सब लटक जाती हैं। ऐसा तो था नहीं कि लगातार वो पानी ही ले रहा था, लगातार वो पेड़ ज़मीन से सब कुछ ले ही रहा था, उखाड़ने के बाद सब कुछ उसका कांटेक्ट टूट गया, लेना बंद हो गया तो वो मुरझा गया। ऐसा नहीं है, वो इसलिए मुरझा गया कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी, प्राण ऊर्जा थी जो निकल गई, जिसके कारण वो मुरझाना शुरू हो गया। उसके बाद में ये कह सकते हैं प्राण ऊर्जा निकल गई या बेहोश हो गया व्यक्ति। तो प्राण ऊर्जा होती ही होती है, तो ऐसे ही हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ इस प्रकार की ऊर्जाएं रहती ही रहती हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन होती अवश्य है। इसी प्रकार से जब हम जप करते हैं तो वो ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है, जो आपकी प्राण ऊर्जा होती है उसकी ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, उसे गर्म करेंगे तो 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 100 होगा, इसी तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार से आपकी ऊर्जा भी बढ़ती रहती है आपकी जीवात्मा की, जब आप जप करना शुरू कर देते हैं, लगातार जब आपका जप चलता रहता है तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ती रहती है। मंत्र को लगातार जब हम जपते हैं तो मंत्र में भी सिद्धि आना शुरू हो जाती है। सिद्धि का अर्थ होता है कि मंत्र की ऊर्जा का बढ़ना, सिद्धि का अर्थ होता है कि आपकी जीवात्मा की शक्ति का बढ़ना, सिद्धि का अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाना, उसे सिद्धि कहते हैं। एक सिद्धि वो भी होती है जहाँ देवता प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी हैं जहाँ पे देवता आपसे बात भी करने लगेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी अवस्था होती है, या ये ऐसी अवस्था कह सकते हैं कि हर किसी को ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। कई चीज़ें मायने रखती हैं, कई चीज़ें इसमें अपना असर दिखाती हैं, कभी गुरु का महत्व होता है, कभी गुरु की कृपा होती है, बहुत सारी चीज़ें, कभी पितरों का आशीर्वाद होता है, घर के देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, कई कारक कार्य करते हैं ऐसी शक्तियों के पीछे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम जप ही करते हैं। आज के समय में YouTube आ गया है, Google आ गया है, लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे गुरु हो गए हैं जो अपने अपने वीडियो डालते हैं, मंत्रों के बारे में बताते हैं। कुछ चैनल ऐसे ही हैं जो सिर्फ मंत्र ही बताते हैं, मंत्र की महिमा बताते हैं, मंत्र से क्या क्या हो सकता है ये बताते हैं। तो हमारा मन मंत्र की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया कि हम ऐसा जप करेंगे तो ये चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी।
बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं कि वो शिष्य को अपना बताते हैं कि आप इस मंत्र का जप करिए, आपके जीवन में ऐसी समस्या खत्म हो जाएगी, आप इस मंत्र का जप करिए ये हो जाएगा, आप ग्रहों के मंत्र का जप करिए आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। सारी चीज़ें हैं और होती भी हैं। अर्थ ये हुआ या कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो एक झुकाव था मंत्रों के प्रति बढ़ना शुरू हो गया अवेयरनेस के कारण। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब मंत्र इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। मंत्र का अर्थ मन का तंत्र, सिर्फ गुरु के पास ही मंत्र हुआ करता था। उसके बाद में गुरु शिष्य के कान में कहते थे मंत्र, जिससे कोई तीसरा व्यक्ति सुन ना ले, उसे ही एक तरह से आप दीक्षा समझ सकते थे। कभी कभी गुरु की शक्ति इतनी अधिक होती थी कि माथे पे आपके वो अंगूठा रखते थे या सर पे हाथ रखते थे, उससे मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाती थी। और उससे हमको कभी कभी ये भी फल मिलता था कि मंत्र सिद्ध किया हुआ भी मिल जाता था। कहने का था, थोड़ा सा आप जप करेंगे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ऐसे गुरु की महिमा रहती है। तो उस समय जब मंत्र ज़्यादा नहीं हुआ करते तो नाम की महिमा थी, भगवान राम के नाम की महिमा थी, सीता राम के नाम की महिमा थी। लोग राम 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 जपा करते थे, सीता राम जपा करते थे, हरि 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 जपा करते थे, नारायण नारायण बोला करते थे, भगवान शिव के नाम का जप करते थे, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बोला करते थे। तो वो भी सिद्ध होते थे एक समय पे। ऐसा नहीं कि सिद्ध नहीं होते, तो आज भी सिद्ध होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मंत्र जप नहीं करते हैं, नाम का जप करते हैं। नाम जप भी उतना ही प्रभावी होता है जितना कि मंत्र। आखिर हम मंत्र जप किसके लिए कर रहे होते हैं? किसी ना किसी देवता के लिए तो कर ही रहे होते हैं। वो मंत्र किसी ना किसी देवता से तो जुड़ा हुआ होता ही होता है। तो लेकिन जब हम नाम का जप करते हैं तो हम सीधे देवता का ही तो जप कर रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं। और कोई शक्ति या कोई देवता अगर आप पे कृपा बनाना चाहता है तो आप नाम जप भी करेंगे तो भी वो सिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार से मंत्र में अनुभव होते हैं वैसे ही नाम में भी अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप नाम लेंगे आपके शरीर में कई जगह पे ऐसी ऊर्जा का संचार होगा कि आप महसूस करेंगे। उसे देखा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप उसे देख सकते हैं कि हाँ ऊर्जा बह रही, आप उसे महसूस कर पाएंगे। और वो आभास जब आपको होगा तो ही आप समझ पाएंगे। उसकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं, जैसे ऐसा लगेगा आपको कि कोई हवा इधर से चली और इस साइड आ गई, इधर से चली इधर आ गई, इस प्रकार का आपको महसूस होगा। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके रोएं भी खड़े हों, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ठंड का मौसम है तो ही रोएं खड़े होंगे। गर्मी में पसीना निकल रहा होगा, आप जब कर रहे होंगे आपके रोएं खड़े हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से एक मंत्र में अनुभव प्राप्त होते हैं, आभास होता है, उसी प्रकार से नाम जप में भी आपको अनुभव होंगे, आभास होंगे। जब आप नाम लेंगे तो आपके माथे में स्पंदन शुरू हो जाएगा, जब नाम जप की ऊर्जा बढ़ेगी। नाम जप की ऊर्जा बढ़ते ही आपके माथे पे स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, आपके आज्ञा चक्र पे स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ पे जैसे हृदय धड़कता है, ऐसे ही वहाँ पे धड़क सा रहा है कुछ। कभी कभी खिंचाव महसूस होगा, कभी कभी कुछ और आभास होना शुरू होगा। तो इस प्रकार से नाम जप में भी आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मंत्र जप में जो भी मंत्र से संबंधित देवी देवता होते हैं वो कभी कभी स्वप्न के माध्यम से भी आपको दर्शन देते हैं। ज़्यादातर स्वप्न के माध्यम से ही दर्शन दिया करते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो जप कर रहे हों, कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपको भटका देती हैं, खासकर जब आप तामसिक मंत्रों का जप करते हैं। वो ऐसे कहेंगी स्वप्न में आके कि आप इस मंत्र का जप करिए, आप उस मंत्र का जप करिए, आप ये करिए वो करिए, आपको भटकाएंगी, जिससे आपका जप का मार्ग भटक जाए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग नवाड़ मंत्र का जप कर रहे थे और नवाड़ मंत्र का जप करते करते उनको स्वप्न आया कि आप ये वाले मंत्र का जप करो कि हम इससे प्रसन्न होंगे, और लोगों ने नवाड़ मंत्र का जप छोड़ के दूसरा मंत्र जपना शुरू कर दिया। अब उससे हुआ क्या कि कुछ ऐसी शक्तियाँ अट्रैक्ट हो गई जो बहुत तीव्र थी,
बलि मांगने लगी, बलि नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जीवन विच्छेद कर दिया लोगों का। तो ये ध्यान रखिए, इसीलिए गुरु होता है जो इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, क्योंकि कभी भी इस प्रकार की उग्र शक्तियों की जो साधनाएं होती हैं, तामसिक साधनाएं होती हैं, बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। उसका लाभ देख के उसकी तरफ आकर्षित मत होइए मंत्र की तरफ। कुछ लोगों में ऐसा प्रचलन है कि वो सोचते हैं कि अब जैसे मान लीजिए लड़का है लड़की, उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन हुआ, बात शादी तक पहुंची, शादी नहीं हो पा रही है लेकिन फिर भी पाना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हम उसे आकर्षित कर लें, हम उसका सम्मोहन कर लें, हम ये कर लें वो कर लें। इसके चक्कर में क्या होता है, गलत मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं, उससे ज़िंदगी बनती कम है बिगड़ जाता जाती है। कभी कभी कुछ गुरु भी ऐसे रहेंगे जिनसे आप कुछ करवाना चाहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो व्यक्ति मेरे से शादी कर ले, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो जाएं। तो इन सब चीज़ों में मत फंसिए, जीवन में जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप जप के मार्ग पे हैं तो निश्चित मान लीजिए कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी वो मिलेंगी मिलेंगी, और जैसा आप चाहते हैं वैसी ही मिलेंगी। कभी भी किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ शुरू मत करिए, पहले से शुरू रखिए, कुछ चीज़ें अपने आप ही मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आज से जप शुरू कर दिया कि हमें मिलना है, हम ये पाना चाहते हैं तो आज से जप। आप जप करते रहिए, आपको जो मिल पाना है, जो आप चाहते हैं, वो ऐसा ही जीवन आपका ढलना शुरू हो जाएगा, वैसे ही योग बनना शुरू हो जाएंगे, वैसी ही चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं, चाहे आप मंत्र जप करिए चाहे आप नाम जप करिए, दोनों का उतना ही महत्व है। ऐसा नहीं है कि मंत्र, देखिए क्या होता है, मंत्र में हम पूरी बात एक तरह से देवता से कह देते हैं। जैसे सम्मोहन मंत्र होते हैं तो सम्मोहन की बात उसमें आ जाती है। अब जैसे धन का मंत्र होता है, धन चाहते हैं या हम कृपा चाहते हैं, तो वैसी चीज़ें मंत्र में हम बोलते हैं। या खाली हम भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, केवल भक्ति ही करना चाहते हैं, तो उसके भी मंत्र अलग होते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ से हम जुड़ना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय, हमने कुछ नहीं मांगा उनसे, लेकिन ओम नमः शिवाय भी अगर आप जपेंगे तो भी आपकी चीज़ें मन की होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। उस समय फिर ये होगा कि जिस प्रकार से आपके मन में विचार आएंगे वैसी चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। ये मंत्र का प्रभाव होता है, और यही मंत्र का प्रभाव आपको बताता है कि यहाँ आपको मंत्र की सिद्धि मिल रही है या फिर आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ रही है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।